हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमोकार सिनेमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीकेंड दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं बॉलीवुड की। एक का नाम है मलंग और दूसरी का है शिकारा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलंग मूवी की, जिसमें आपको लीड स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी, कुणाल खेमू और इसके डायरेक्टर हैं मोहित सूरी। तो सबसे पहले जानते हैं पब्लिक का ओपिनियन और उसके बाद बताएंगे कि हमें फिल्म कितनी पसंद आई। हम क्या रेटिंग देना चाहेंगे? बेस्ट है। क्या रेटिंग देना चाहेंगे? 3.5 जैसा हुआ। एक्टिंग बहुत अच्छी है, अनिल कपूर ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, आयता कपूर की भी एक्टिंग बहुत अच्छी रही है, कुणाल खेमू का बहुत अच्छा रहा है। फिल्म में ऐसा नहीं है, नेगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं है कि एक यंगस्टर की मूवी है, इसको यंगस्टर पसंद करेंगे। क्या लगता था, प्रेडिक्टिव लगी? हाँ, देखें, लेकिन ऐसा पॉइंट लॉस पॉइंट है मूवी के अंदर, जिससे ड्रग्स के ऊपर बनी हुई है। मलंग का मतलब किसी के ऊपर एक पागल हो गया, पागल सवार, तो अच्छी मूवी है। सर, कितने स्टार रेटिंग देना चाहेंगे? आई विल गिव 3.5। फर्स्ट हाफ मूवी का थोड़ा स्लो था, बट सेकंड हाफ में मूवी ने पिकअप कर लिया। आपको क्या लगता है कि आदित्य की एक्टिंग के बारे में क्या? सी, जो मैंने 3.5 स्टार्स दिए हैं वो दिशा की वजह से दिए हैं, अदरवाइज आई विल गिव द 3 स्टार। दिशा इज माइंड ब्लोइंग इन द मूवी। ड्रग्स को लेकर क्या व्यू पॉइंट है आपका? जो भी पॉइंट मूवी में दिखाया है, फर्स्ट हाफ में टोटली ये दिखाया है कि एक जिंदगी को खुले, मतलब अगर हम खुल के जीना चाहते हैं तो ड्रग एडिक्टिव होना जरूरी है? नो, ऑब्वियसली नॉट। हु सेड दैट? आर यू, इट्स लाइक जैसे मूवी में कहा है कि ड्रग्स आर डेफिनेटली आवर रोड टू व्हाट, डेथ, दैट्स ऑब्वियस। किसने कहा है कि खुला और मतलब खुले विचारों के साथ जीने के लिए ड्रग्स की जरूरत है? कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 4.5। दिशा पाटनी अच्छी हैं, बट स्टोरी फर्स्ट हाफ में बहुत स्लो है और सेकंड हाफ में बहुत फास्ट है। कुल मिलाकर के मिसमैनेजमेंट क्या कह सकते हैं कि उतने अच्छे से फिल्म को क्लब नहीं कर पाए। कैसा लगा डायरेक्शन मूवी का? मूवी का डायरेक्शन अच्छा था। अभी तक आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। हैंगओवर था, बहुत बहुत कुछ था, भर भर के था। क्या लगता है, एक खुलेआम जिंदगी जीने का मन करता है? पता नहीं, ज्यादा ही खुलेआम दिखाई हुई है, इतना मेरे से नहीं हो पाएगा। गोवा की लाइफ ऐसी होती है? मैं तो घर वालों के साथ ही गई थी, मेरे को अब लग रहा है गलत चली गई थी। कोई मस्त मलंग होना चाहिए। हाँ, ये तो है ही, मतलब यू शुड एंजॉय योर मोमेंट्स, गुड मोमेंट्स इन लाइफ, बट ऐसे बह नहीं जाना चाहिए जैसे ये लोग बह गए थे। काफी दिशा के बारे में क्या कहें? दिशा तो बहुत हॉट लग रही थी इसमें भी, मतलब इतना ज्यादा ऑन स्क्रीन प्रेजेंस नहीं थी, पर ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। आई डिडंट रियली एक्सपेक्ट इट आउट ऑफ हर, बट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। और आदि की एक्टिंग के बारे में वैसे बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज होती है, तो आप क्या? नहीं, उसका कैरेक्टर ऐसे सा था, तो आई थॉट ही इज पुल्ड इट ऑफ गुड। बाकी क्या रेटिंग देंगे आप? रेटिंग तो आई विल गिव इट 2.5, 2.75 on 5। तो गाइस, आपने देख लिया, लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स है। किसी को फिल्म ठीक ठीक लगी, किसी को अच्छी भी लगी, किसी को कुछ बुरी भी लगी। तो मैं जहां तक बताऊं, एक आप दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे फिल्म ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं किया। मैं जितनी एक्सपेक्टेशन मेरी ट्रेलर से थी, उतना ही फिल्म में मुझे कुछ देखने को मिला है। थोड़ा बहुत फिल्म में सस्पेंस रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन विलन होगा, कौन हीरो है। तो ओवरऑल फिल्म ठीक ठीक है, लेकिन मोहित सूरी का जैसा डायरेक्शन हमें पसंद आता है या जैसे उनकी फिल्मों में गाने होते हैं, अगर मैं आवारापन की बात करूं, जन्नत जैसी फिल्मों की बात करूं, और भी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, लेकिन यहां पर वैसा मुझे कुछ भी, मतलब एक मैजिक देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल मैं तो फिल्म को जो रेटिंग देना चाहूंगा, 5 में से 2.5 दूंगा। आप बताइए कि अगर आप ये फिल्म देखने जाएंगे तो आप इस फिल्म को क्या रेटिंग देना चाहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।